अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू क्लास थ्री? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड इन हेल्थ। दिस इज लेक्चर नंबर थ्री ऑफ मैथ्स। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 33। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डन पार्ट ए ऑलरेडी। पार्ट ए हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। इसमें आपने बॉक्स के अंदर जो अपने डिजिट्स प्लस के क्वेश्चन के हिसाब से आपने फिल करने थे, वो आपने देखा कि हमने कैसे किए हैं। अब हम करेंगे पार्ट बी। इसमें आपके पास नया कॉन्सेप्ट आने वाला है। नया कॉन्सेप्ट ये है कि ज़ीरो का कॉन्सेप्ट। ज़ीरो जब आप किसी चीज़ में, ज़ीरो मीन्स नथिंग, ज़ीरो का मतलब है कि कुछ भी नहीं। जब आप किसी चीज़ में ज़ीरो ऐड करते हैं या ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस चीज़ की वैल्यू वैसे ही रहती है जैसे पहले थी। फ़र्ज़ करें आपके पास एक पेंसिल है, आपसे मैंने ज़ीरो पेंसिल्स ली। ज़ीरो का मतलब क्या था? कुछ नहीं। मैंने आपसे कोई पेंसिल नहीं ली तो आपके पास कितनी पेंसिल रह गई? वन रह गई ना, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास फाइव बुक्स हैं, फाइव स्वीट्स हैं, ठीक है। आपके पास क्या है? फाइव स्वीट्स हैं। आपके पास पांच टॉफ़ीज़ हैं। मैंने आपको ज़ीरो दी, ज़ीरो आपने उसमें ऐड की, यानी मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया। तो आपने क्या उसको समझा? फाइव। आपने क्या कहा कि मेरे पास फाइव ही हैं। ज़ीरो को ऐड करने से ना कोई चीज़ कम होती है और ना कोई चीज़ बढ़ती है। ये आपको आज मैंने समझाना है कि ज़ीरो को ऐड करने से वैल्यू वैसे की वैसी रहती है। चाहे हम ज़ीरो में थाउजेंड को ऐड कर दें, वो थाउजेंड रहेगा, ठीक है। ज़ीरो की वैल्यू किसी चीज़ को कम नहीं कर सकती या बढ़ा नहीं सकती। इसलिए हम ये देखेंगे इस लेक्चर में कि कोई भी वैल्यू हो उसमें हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो वह वैल्यू की वैल्यू ही रहेगी। वो उसकी वही उसका नंबर, वही उसका उसकी वैल्यू रहेगी। नंबर वन से इन दिस क्वेश्चन 4716, ये एक वैल्यू आपके सामने लिखी गई है। इसमें प्लस क्या हो रहा है? ज़ीरो। आपके सामने ज़ीरो इसमें प्लस किया जा रहा है। इस वैल्यू में हम ज़ीरो को प्लस करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आपने बॉक्स में लिखना है। सोचें और बताएं। इसलिए कि मैंने अभी आपको एक बात जो बताई वो ये थी कि किसी भी वैल्यू के अंदर जब हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो वो वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख दी जाती है, उसमें कोई इजाफा या उसमें कोई कमी नहीं होती। यू गॉट इट? आप समझ गए मेरी बात को कि वैल्यू के अंदर जब हम ज़ीरो का डिजिट ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो वो वैल्यू वैसे की वैसी ही रह जाती है। देखें, अब इसमें आपने 4716 बड़ी अमाउंट है ना, बड़ी वैल्यू है, इसमें आपने ज़ीरो को ऐड किया तो वो वैल्यू वैसे की वैसे ही बॉक्स में आ जाएगी, ठीक है। उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, कुछ भी एडिशन नहीं होगा, कुछ भी माइनस नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर टू की तरफ ज़रा आएँ। पहले वाले क्वेश्चन में ज़ीरो इस साइड पे लिखा हुआ था, नंबर इस साइड पे था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन टू में उन्होंने ज़ीरो इस साइड पे कर दिया है और नंबर इस साइड पे कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ज़ीरो के अंदर कोई चीज़ जब ऐड करेंगे तो वो भी तो वही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने ज़ीरो में कोई चीज़ ऐड की तो कोई इजाफा नहीं हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं आया। जैसे आपके पास फोर स्वीट्स हैं और फोर की फ़ोर ही रहेंगी, अगर मैं आपको ज़ीरो ऐड कर दूंगी उसमें कुछ भी नहीं दूंगी तो फोर ही रहेंगी ना। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस बॉक्स में इसी वैल्यू को लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन थ्री में देखें, वैल्यू पहले दी गई है और पूछा गया है कि बॉक्स में क्या आएगा, कि आंसर में उन्होंने यही वैल्यू दोबारा यही वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। इसका मतलब है कि हम इसमें कुछ भी ना ऐड करें, ज़ीरो ऐड करें तो ये वैल्यू आंसर में हमारे उसी तरह से हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। नंबर फोर में देखें, अब वैल्यू के अंदर बॉक्स प्लस किया गया है, बॉक्स में हमारे पास क्या होना चाहिए? ज़ीरो, क्योंकि हमारे आंसर में क्या आ रहा है? वी कैन सी वही वैल्यू दोबारा हम देख रहे हैं, 5132 आंसर में हमारे पास मौजूद है। इसलिए इसका मतलब है कि ज़ीरो इस वैल्यू में प्लस किया गया था तो हमारे पास आंसर यही आया।
अब देखें 300 + 304 + 408 = 408, यही वैल्यू दोबारा से आ गई और प्लस इसमें यही वाली वैल्यू 304 बॉक्स में आ जाएगी, तो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ से क्या मिसिंग है, 279 इक्वल के एक तरफ देखें आप, 279 और 104 दोनों 104 दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं, लेकिन इक्वालिटी के दूसरी तरफ देखें आप तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास यहाँ से मिसिंग क्या है, ये सेकंड वैल्यू, वो हम यहाँ पे बॉक्स में नोट डाउन कर देंगे। इसी तरह से ज़ीरो में हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ज़ीरो। स्टूडेंट्स Do more and more practice of this these kinds of questions. Now come to the next page. On page number 35, these are also addition questions for you, and these are questions with carry. See in this question, question number 1. 8 and 6, these are 14. You will write 4 here and 1 will be carried in the tens column. 4 आपने यहाँ पे यूनिट के कॉलम में लिख दिया और उसके बाद 1 आपने ऊपर कैरी कर दिया टेंस के कॉलम में। अब आप इसको ऐड करेंगे तो 1 एंड 4 आर 5। नेक्स्ट सी इन द 100 कॉलम्स, 8 एंड 9 आर 17। यू विल राइट 7 हेयर एंड 1 विल बी कैरिड ऑन द 1000 कॉलम। यू हैड ऑलरेडी डन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑन योर कॉपी, so do more and more practice. 7 will be carried in the 1000 column. We will count all these values, 3 and 3 are 6 plus 1, these are 7. We will write the 7 here. You will do all these questions very neatly on your book and submit your homework on time. Okay students, these are 18 questions. Do your book work very neatly and properly, and also mention the date and day on the top of the page. Okay students, that's all for your lecture. Thank you, Allah Hafiz.